Mohtaram parliamentarians, Chairman District Council, mere TDCP ke afsaran, mere Mohtaram racers, Muzaffargarh ke ghayoor awam, aur mere media ke dosto, assalam alaikum. मैं सबसे पहले उन दोस्तों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ जिन्होंने इस रेस में हिस्सा लेके हमें इज्जत दी. जब ये सेकंड थर्ड जीप रैली का लेटर सपोर्ट्स डिपार्टमेंट से मुझे मौसूल हुआ तो मेरे लिए ये एक खबर थी. मैंने कहा शायद चौस्तान वाला लेटर हमारे पास आ गया. फाइल निकलवाई तो पता लगा पिछले साल बहुत खूबसूरत इवेंट ये करवाया गया है और इस साल भी हमने करवाना है. इस काम को हमने शुरू किया, दरमियान में मौसम की खराबी, गवादर जीप रैली की वजह से डेट्स का आगे पीछे होना, लेकिन इसमें अतर खानवानी साहब ने, जैसे कि डीसी लैया ने पहले कहा है, उन्होंने इसको रिलीजियसली फॉलो किया और उन्होंने कहा कि नहीं, सारी मुश्किलात के बावजूद आप इस रैली को करवाएंगे, आप हमारा साथ हैं. और फिर इन्होंने कई दिन मेरी टीम के साथ, एसी को दत्तू के साथ मिलके ट्रैक क्लियर करवाया. फिर इन्होंने हमें भी हिम्मत दी कि सारी मुश्किलात के बावजूद आप इस काम को आगे लेके चले. और जब मैंने भी ट्रैक देखा तो यकीन करें इतना खूबसूरत ट्रैक है कि बाकी ट्रैक्स शायद रेसर्स मेरी इस बात की तारीफ करेंगे कि वो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है. मैं आप सब दोस्तों को ये वादा दिलाता हूँ कि आपने मुजफ्फरगढ़ जो पहले बहुत से हवालों से मशहूर है, लेकिन थल जीप रैली के हवाले से जो आपने सिर्फ मुजफ्फरगढ़ को दी है, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ. क्योंकि आपने मुजफ्फरगढ़ को पिछले तीन दिन में इंटरनेशनल फेम दिया है, उसमें मेरे मीडिया के दोस्तों का बहुत बड़ा किरदार है जिन्होंने लाइव कवरेज दी और मुजफ्फरगढ़ को उजागर किया, उसके नाम को उजागर किया. मैं डीसी लैया का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी जंगल में मंगल बनाया और खूबसूरत मेले का इनेकाद करवाया. और हम भी इंशाल्लाह अगले साल ये रिवायत, जैसे कि डीसी साहब कह रहे हैं, अब चलेंगे इंशाल्लाह और हम इस एक्सपीरियंस को, इस खूबसूरत इवेंट को मज़ीद बेहतर करेंगे. हम अगले साल इसको रेसर्स भाइयों की मुशावरत से इसकी ड्यूरेशन भी बढ़ाएंगे और इसके साथ बाकी कल्चरल इवेंट्स भी करवाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको एंजॉय करें. मौसम बहुत खूबसूरत है, जगह बड़ी खूबसूरत है और आपका तालुक बड़ा खूबसूरत है. मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और अगले साल आप दोस्तों को फिर खुशहाल इंशाल्लाह कहेंगे. मुजफ्फरगढ़ के लोग मेहमान नवाज हैं इंशाल्लाह, जिस तरह आज और कल और परसों उन्होंने आप लोगों को वेलकम किया है, आपकी मेहमान नवाजी की है, इसी तरह इंशाल्लाह ये चलता रहेगा सिलसिला. मैं मकसिम राम को और साहबजादा साहब को खुश आमदीद कहता हूँ, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, बाकी दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ.